कुंभ राशि 6 मार्च की दिन बहुत ही बड़ी खुशखबरी भगवान आपको देने वाले हैं। विस्तार से हर एक चीज को जानेंगे। दोस्तों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ देते हैं, ठीक उसी तरह 6 मार्च के दिन आपके जीवन में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। विस्तार से आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, आप खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे। इस ऊर्जा का प्रयोग कामकाज में करिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन लव लाइफ में आपको निराशा हाथ लग सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग कर देगा। नए अवसर मिलेंगे जिसको हाथ से जाने मत देना, क्योंकि जो अवसर मिलते हैं वो एक ही बार मिलेंगे और यही अवसर आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। आपका काम दरकिनारा हो सकता है, क्योंकि आप अपने प्रिय के भाव में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। दोस्तों, आज रात को जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताने का समय आपको मिलने वाला है और उन्हें भी और वक्त देना चाहिए, क्योंकि समय की कमी की वजह से आप दोनों के बीच निराशा या फिर कुंठा के भाव पनप सकते हैं। सामान्य राशिफल की बात करें तो बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करेगा। आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है, इससे आपको खुशी होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांति भरे दिन का लुत्फ लीजिएगा। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। उदास ना हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, वह तो जिंदगी की खूबसूरती है। आपको याद रखने की जरूरत है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। लोगों की दखल अंदाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है। ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से आपको आंखों से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों, आप बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। अपनी भावनाओं पर, खासतौर पर गुस्से पर आपको काबू रखना होगा। आपकी माता पक्ष से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए खास है। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितनी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, 6 मार्च के दिन आपको अपने दैनिक जीवन में, अपने काम में, यानी कि जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर एक तो पदोन्नति मिल सकती है या फिर वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। इस तरह की खुशखबरी आपके दिन को बना देगी। साथ ही साथ रिश्तेदारों से भी आपको बहुत अच्छी खासी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, जिससे कि जीवन में आगे बढ़ने में आपको और भी मददगार साबित होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, अगर आप अकेले माता या फिर पिता हैं और अपने बच्चों के लिए पार्टनर की खोज में हैं तो सफल हो सकते हैं। यूं तो आप इसे मोर्चे पर नाकाम रहे हैं, परंतु अंत में आपको अनुकूल पार्टनर मिल ही जाएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनका अपने माता पिता से परिचय कराने में आपको कोई संकोच नहीं होगा।
आपकी पसंद पर आपसे भी ज्यादा आपके अभिभावक खुश होंगे, क्योंकि वह पार्टनर आपके साथ साथ आपके घर वालों की भी खातिरदार जो कि करता रहेगा। आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और शादी की तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अगर आप व्यापार में हैं तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की बिक्री या फिर ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और ऐसा ही होगा। ऐसे में आपको अपनी गुणवत्ता को बनाए रखना होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, वरना फिर जैसे ग्राफ आपका ऊपर जाता गया है ठीक उसी तरह नीचे आता रहेगा। आपके इस प्रदर्शन से आपके बड़े अधिकारी भी आपके कायल हो गए हैं। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी देखने को मिल सकता है, साथ ही आपकी साख भी कायम रहेगी। आप और अपनी कंपनी की अच्छी तरक्की होने वाली है। इस बदलाव का अपने काम की जगह पर सकारात्मक उपयोग कीजिएगा। इसके लिए नए संपर्कों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अधीनस्थ कर्मचारियों को संभलना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आप कार्यस्थल पर मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। अच्छा टीम वर्क और अच्छे टीम के सदस्य काम को समय पर खत्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने कार्यस्थल को तकनीकी तौर से भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके द्वारा जल्द लिए गए किसी निर्णय से आपको लाभ हो सकता है। आप अपने कार्यालय में बहुत व्यस्त रहेंगे। आपको खुद को बदलते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बदल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे नहीं बदलना चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। आपके लिए सुबह समाचार मिलते रहेंगे, इससे आपकी असीमित ऊर्जा साथ ही आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, आप राहत की सांस लेंगे और आप अच्छा भी महसूस करेंगे। हाल ही में आई समस्या गंभीर नहीं बनेगी, इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतने और नियमित व्यायाम करने की जरूरत है। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। अपना ध्यान व्यायाम में लगाएं, इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आप थकावट महसूस करें, मगर बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महत सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग भी करते हैं, तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।